जैसे कि आपको विदित है कि 26 मई में और सोमवार को चुनाव होने वाले हैं। मैं तो सर्वप्रथम व्यापारियों को एकजुट करना, व्यापारियों की एकता, व्यापारियों के हित में कार्य करना, ये मेरे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। किसी भी तरीके से व्यापारियों को उत्पीड़न, व्यापारियों की परेशानियां और जो जो समस्याएं उनकी होंगी उनका निराकरण करने में मेरा सर्वप्रथम उनके साथ खड़े रहना। या व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो, मेरे लिए कोई ऊंच नीच की या बड़े छोटे की भावना नहीं रहेगी। मेरे लिए छोटे व्यापारी पहले और बड़े व्यापारी बाद में, हालांकि वो मेरे दोनों ही दिल के हिस्से रहेंगे और उनके लिए मैं बढ़ चढ़ के आगे बढ़ूंगा। वैसे वर्तमान में कोटद्वार मार्केट में कोटद्वार एक व्यापार सेंटर भी है, अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर आपने क्या योजना आगे सोची? अतिक्रमण कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये देख व्यापारियों को उत्पीड़न करने का तरीका और नगर निगम की जबरदस्ती, बदमाशी, गुंडागर्दी आप कह सकते हैं। अगर ये समय समय पर प्रॉपर तरीके से बाजार में, नगर में घूमे, लोगों को सचेत करें और अपने जिस कार्य के लिए वो नगर निगम में है उसका सही रूप से अपने कर्तव्य का, दायित्व का पालन करें, तो मैं नहीं समझता कि जो अतिक्रमण की समस्या है वो कोई ऐसी है नहीं, वो इनके द्वारा ही पैदा की गई है। और उनका मेन मकसद है व्यापारियों को उत्पीड़न करना, उनको परेशान करना, उनका हल करना। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी काफी चर्चा में सम है, उनके किसे बातें बन जाएंगे, चुनाव को लेकर कितने आगे तक जा सकते? वो मेरे छोटे भाई हैं, वो व्यापारी हैं, मैं भी व्यापारी हूँ। अगर मेरी जीत होती है तो मैं अपने प्रतिद्वंदी की जीत समझता हूँ और उनकी जीत होती है तो मैं इसे अपनी जीत समझता हूँ। चुनाव 2-3 दिन बाद समाप्त हो जाना है, हम दोनों ने यही शहर में रह के व्यापार करना है और व्यापारी जो भी समस्या है पद पे चाहे कोई भी रहे, हम सबने मिलजुल के काम करना है, एक दूसरे का हाथ बढ़ाना है। प्रतिद्वंदी मेरा छोटा भाई है और हमेशा मेरा प्यार रहेगा। अपने मतदाताओं के लिए आपको संदेश देना चाहिए? मेरा अपने मतदाताओं से विशेष अनुरोध यही है कि वो एक तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, बहुत सोच समझ के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और कहीं भी उनको परेशानी, चाहे वो अतिक्रमण से संबंधित हो या व्यावसायिक टैक्स से संबंधित हो या सरकारी डिपार्टमेंटों से संबंधित हो, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा और उनका कॉन्फिडेंस जो कि पिछले 12 साल से डगमगा गया है, क्योंकि 12 साल से कोई भी चुनाव व्यापार संघ नहीं है और मैं पद तक पहुंचता हूं तो निश्चित मैं नई ऊर्जा के साथ काम करूंगा, उनका जो हौसला है हौसला अफजाई करूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा और पूरी मजबूती के साथ उनकी परेशानियों को दूंगा।